Hello students, welcome to our next video lecture, and in this video lecture we are going to discuss further points of your chapter. So till here, till this pollination we have already discussed, right? What is self-pollination, cross-pollination, autogamy, heterogamy, xenogamy, etc., and gasmogamy as well as cleistogamy. So you have gone through this particular topic. So moving on to the next slide, that is here. From here we are going to start with the pollen pistil interaction. So पिस्टल जो आपका सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका इंटरेक्शन पॉलन से कैसे होता है वो इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा. ठीक है, इसमें बात करेंगे. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो आपको पेज नंबर 31 एनसीईआरटी पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इफ़ यू वॉन्ट टू फ्रॉम योर एनसीईआरटीज. सो पॉलिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जब ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे तो सारे ही पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब फॉर्म करेंगे. अगर वो सेम स्पीशीज़ का होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्पीशीज़ का उड़ के आ सकता है ना पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे. तो जनरली होता क्या है कि जब सेम स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन फ्लो करके आएगा और उस पर आए उस पर सिट करेगा आगे या उसके कॉन्टैक्ट में आता है पिस्टिल के या पॉलन स्टिग्मा के, तभी वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करेगा. ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उससे फिर आपका फर्दर वो ओव्यूल या ओवरी तक पहुंचेगा. राइट, सो ऑल इवेंट्स फ्रॉम डेपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा वो कैसे प्रोसीड करेगा. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. पहले क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो मेजर पॉइंट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स बाय स्टिग्मा. इट मीन्स दैट कि कंपैटिबल मतलब सेम स्पीशीज़, तभी वो फ्यूज़ करेगा. इनकम्पैटिबल जो जिसके अंदर इतनी टेंडेंसी ही नहीं है कि वो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करे. क्यों? क्योंकि वो पॉलन ग्रेन्स उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बिलोंग ही नहीं करते. राइट, तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिबल स्पीशीज़. सेकेंड, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन एंड इनहिबिशन ऑफ पॉलन. इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, बहुत रैंडम होता है, इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन. तुरंत तुरंत पॉलन का रिकॉग्निशन होगा फॉलोड बाय द प्रमोशन एंड इनहिबिशन ऑफ पॉलन. ठीक है, और यहीं पर पॉलन का प्रमोशन भी होता है, इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब फिर उसको एंट्री नहीं मिलेगा. राइट, then what is the reason? Reason is that chemical interaction between pollen grain and stigma takes place. और वो एक तरीके से आप आपने क्लास 11th में पढ़ा है एंजाइम को एंजाइम्स. तो हर एंजाइम हर किसी चीज़ के लिए एक्टिव नहीं होता है, ये आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब एंजाइम इंटरेक्शन का चैप्टर पढ़ाया था. तो जो फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम्स, वो आपके बाकी फंक्शंस नहीं कैरी आउट करेंगे. लेकिन जो बाकी फंक्शंस जैसे डाइजेशन कैरी आउट कर रहे हैं, वो फर्मेंटेशन नहीं कैरी आउट करेगा. ठीक उसी तरह पॉलन और स्टिग्मा में एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो केमिकल इंट्रैक्शन होता है, जिससे वो खुद को लिंक कर पाते हैं और उसके बाद ये फर्दर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस. राइट, कंपैटिबल पॉलन एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा एंड इनिशिएट पॉलिनेशन इवेंट्स. और जो कंपैटिबल होते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, मतलब एलिजिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ओनली दे आर परमिटेड टू फॉर्म पॉलन ट्यूब. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट लीड्स टू जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर. एक जर्म पोर होगा. ठीक है, आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा 10th में भी 11th में भी पढ़ा होगा कि एक जर्म पोर होता है. आपको लास्ट इससे सेकेंड वाली वीडियो आप जब देखेंगे टॉप से सेकेंड वाली वीडियो, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जर्म पोर क्या है, जहाँ पे एग्जाइन इंटाइन, जब एग्जाइन और इंटाइन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था. लेट्स शो इट टू यू, दिस इज़ द स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज एग्जाइन, दिस इज एग्जाइन. क्योंकि एग्जाइन को क्रॉस करना इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है. लेकिन यहाँ पे
ये इनर वाली जो लेयर है वो इंटाइन कहलाती है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जर्म पोर कहलाता है, और इसी यही जर्म पोर जो है वो लीड करता है किस चीज़ को, आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, पॉलन ट्यूब ऑफ, दिस इज राइट, यू कैन रीड दिस, कंटेंट मूव टू पॉलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा, ये जर्म पोर के थ्रू होता है, एंड स्टाइल रीचेस ओवरी, करेक्ट। सो नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड कंडीशन, अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये भी उसी समय में है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स फॉर्म होती हैं, जनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होगा स्टिग्मा के अंदर, तब क्या होता है कि जो आपका जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड कर जाती है टू मेल गैमेट्स के फॉर्म में, और इन्हीं मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है आपका एग सेल और टू पोलर न्यूक्लियर से। ठीक है, तो थ्री सेल्ड कंडीशन, ऑलरेडी थ्री सेल्ड कंडीशन, पॉलन ट्यूब्स कैरीज द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो दो मेल गैमेट्स जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनोजिड्स थ्रू द फिलाईफॉर्म एपरेटस, और ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि फिलाईफॉर्म एपरेटस का फंक्शन ही यही होता है कि वो एंट्री प्रोवाइड करे, एक ग्रैंड एंट्री प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को, गाइडेंस का काम करता है, गाइड की तरह या गार्ड की तरह काम करता है, सिनर्जिड्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहीं पे फिलाईफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, विच प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द पॉलन ट्यूब, राइट। देन इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीदिंग फॉर सुपीरियर प्लांट डेवलपमेंट, सो ये पूरा इंटरैक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका रेलिवेंट एक पॉइंट है, टू हैव अ सुपीरियर प्लांट डेवलपमेंट, सुपीरियर मतलब कि ऐसा प्लांट जो जिसके अंदर कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएँ, जो थोड़ा डेवलप्ड प्लांट हो, डेवलप्ड इन द सेंस कि उसमें जो एग्जिस्टिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस कैरेक्टरिस्टिक से कुछ इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, जैसे कि स्ट्रेस टॉलरेंट हो जाए या बेटर बेटर स्ट्रेस टॉलरेंट हो जाएगा, बेटर स्पीशीज़ हो जाएगी, इन्हांस स्पीशीज़ होगी, उसका यील्ड काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, इस टाइप से एक बेटर प्लांट डेवलपमेंट करने के लिए, सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट पाने के लिए हम इंट्रैक्शन, ये प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कमिंग टू द डबल फर्टिलाइजेशन, दिस वॉज द पॉइंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट वीडियो, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो गो थ्रू वॉट इज डबल डबल फर्टिलाइजेशन एंड वॉट इज सिनगैमी एंड वॉट इज ट्रिपल फ्यूजन, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तीनों बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिए गए हैं, पॉलन ट्यूब इंटू सिनर्जिड, देन इट इज सिनगैमी, देन इट इज ट्रिपल फ्यूजन। आप इसको ड्रॉ कर लेंगे इसीलिए इतने आराम से बता रहे हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक्स में। ट्रिपल फ्यूजन में थ्री हैप्लाइड न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, ओके। सो मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट इज द पॉलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है, दो मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं, दो मेल गैमेट रिलीज होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, तो ये तो पॉइंट है हो गया, इसके बाद ये सब पॉइंट्स हो गए कि हो क्या रहा है। द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, डिप्लॉयड जायगोट फॉर्मेशन एंड जायगोट डेवलप्स इंटू एन एम्ब्रियो। तो होता क्या है, डिप्लॉयड जायगोट फॉर्मेशन कैसे होगा, एक तो मेल गैमीट, टू मेल गैमीट्स रिलीज हुए, तो एक मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है आपका एग सेल से, तो एग सेल सिर्फ एक थी, ठीक है, एग सेल से एक मेल गैमीट फ्यूज किया तो डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा, ठीक है, और जायगोट डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो एंड देन दैट पर्टिकुलर जायगोट इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा बचा मेल गैमेट, वो क्या करेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में सेंट्रल पोजिशन पे प्रेजेंट थे,
वेट अ सेकेंड, राइट, इन दिस इट इज ऑल्सो क्लियर. ओके, सो दिस इज द एग सेल. ठीक है, ये एग है. तो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड ये फिलाइफॉर्म एपरेटस सिनोजिट्स, यहाँ से जब पॉलन ट्यूब जैसे यहाँ से ऐसे करके आई, तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होगी. ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होने के बाद ये एग से फ्यूज कर जाएगी. एंड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक जो आपका मेल गैमेट था वो एग से फ्यूज कर जाएगा. सो कहलाया सिनगैमी. सिनगैमी मतलब सिंगल गैमेट का फॉर्मेशन. ठीक है, दोनों फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेंगे. एंड आफ्टर दैट जो वन रिमेनिंग एग बचा वो फ्यूज करेगा ये पोलर न्यूक्लियस है जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड है, और इनसे फ्यूज करेगा. तो एक जब मेल गैमेट इन दो से फ्यूज करेगा आगे, तो कहलाता है ये ट्रिपल फ्यूजन. तीन तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन. ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो हियर आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर हियर. सॉरी, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थ्री सेल वाली कंडीशंस हैं, जर्मिनेशन है, इंट्रैक्शन है, ये सब क्लियर हो जाता है कि जर्मिनेशन की ज़रूरत क्यों है. क्योंकि फ्यूजन, उधर फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इसलिए पूरा ये इंट्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट जो है स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन से आपस में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि एक एडवांस्ड जो टेक्निक है उसका फॉर्मेशन होना उसको वो लीड करेगा. नाउ दिस इज़ द प्राइमरी. होता क्या है, ये जाइगोट जो फॉर्म करेगा ये तो सिनगैमी से फॉर्म करेगा. ये सबके केस में यही होता है. फीमेल आपका ह्यूमंस के केस में मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म करता है, वो भी डिप्लॉयड की कंडीशन ही होती है. ठीक है, एन एन फ्यूज़ करते हैं, हैप्लॉयड हैप्लॉयड फ्यूज़ करके, दो हैप्लॉयड फ्यूज़ करके एक डिप्लॉयड की कंडीशन बनाते हैं. वो एक्स एक्स या एक्स वाई की कंडीशन आती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड PEN. ये इंपॉर्टेंट है. PEN इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये सेंट्रल में सेल एक बन जाती है जाके, और ये एंडोस्पर्म बनाने का काम करती है. तो एंडोस्पर्म क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट आते हैं. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैरी आउट करते हैं, होता क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे आप करते हैं. ठीक है, तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तरह होता है. इसमें जनरली होता क्या है कि ब्रीडर है उसका इंटरेस्ट जनरली किस में होता है, क्रॉस करने में दो डिफरेंट स्पीशीज़ में. तो यहाँ पे हम कोई भी दो डिफरेंट रेलिवेंट स्पीशीज़ जिनका आपस में फ्यूजन हो सकता है, पॉसिबल है, ऑफन जनरेट टू कंबाइन द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़. ठीक है, तो हम उनको कंबाइन करते हैं ताकि हम उसमें एक बेटर क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्शन उसे हम ले सकें. क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन. ठीक है, तो उसमें ये इसी तरह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो वो मैनमेड हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ, जिसमें आप एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि किसका फ्यूजन कैसे होगा और किससे होगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है. तो नेक्स्ट इज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट की टर्म, बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन. सो मार्केट इमैस्कुलेशन हैज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट डिफाइन द टर्म और 3 marks और 2 marks क्वेश्चन इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमैस्कुलेशन. होता क्या है, जब आपने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है,
ये क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फीमेल से ओवरी से ओव्यूल्स या ओवम का जो सिक्रेशन है वो ना हो, इसलिए फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। मेल के केस में ट्यूब्स को कट कर देते हैं, जैसे स्पर्म ना ट्रांसफ़र हो पाए पीनस तक, उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक उसी तरह इस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल पेरेंट्स बियर, इन दिस केस फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्शुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप। तो एंथर इससे पहले कि झड़े, ठीक है, और वो फ्यूजन कॉज करें, हम वहीं पे इसको कट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। फॉर्सेप आपने लैब में देखी होगी। और ये किस केस में होगा, बाइसेक्सुअल फ्लॉइड में, जहाँ पे मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट भी है, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये मेन डेफिनेशन है और यही एग्जैक्ट यही डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मेंशन मिल जाएगी, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। बैगिंग इज इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग, हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। तो इमेस्कुलेशन क्या होता है कि एक बैग से इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को, जो फ्लावर्स को कट किया, जिन फ्लावर से आपने एंथर को कट किया उसको कवर कर दिया, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, ताकि वो उस तक एक लाइट पहुंच सके ट्रांसपेरेंट सा, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा ऑफ अनवांटेड पॉलन। तो बैगिंग में हम उसको कवर कर देते हैं ताकि उसका किसी भी अदर पॉलन ग्रेन से कोई कंटेमिनेशन या इंट्रैक्शन ना हो सके, ठीक है। तो ये बैगिंग का कंसेप्ट होता है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स द रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द मेन पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड फ्रूट्स आर डेवलप्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, इसमें हमें पता है कि कौन सा फ्लावर है और किस फ्लावर का एंथर आपने वहाँ पे डस्ट किया है, तो हमें क्या फ्रूट मिलेगा, कैसा फ्रूट मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात है किस क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, उसी के अंडर में ये आप कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। देन कम्स यूनिसेक्शुअल फ्लावर। यूनिसेक्शुअल फ्लावर में आप कटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो नो मेस्कुलेशन टेक्स प्लेस, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। तो फ्लावर जब ओपन होने वाला होता है उससे पहले ही उसको पैक कर देते हैं। व्हेन द स्टिग्मा, जब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब कि इतना एलिजिबल हो जाए कि वो कलेक्शन कर सके, तो हम क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं और उसमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करवा देंगे और फ्लावर को वापस से रीबैग कर देंगे, वापस से उसको क्लोज कर देंगे, ताकि वो उसमें जो फर्दर जो आफ्टर पॉलिनेशन या आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं वो उसमें टेक प्लेस कर सकें। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिव्यू ऑफ द प्लांट साइकिल। तो ये एक छोटा सा आपका हिबिस्कस आपने देखा होगा, तो ये हिबिस्कस फ्लावर का एक रिव्यू है, तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द बड एंड दिस बड इज जनरेटेड इंटू अ फ्लावर, फ्लावर खिला है, तो फिर ये आपका फोर्थ स्टेज आ रही है, ये इसका है, ये इससे जनरेट हुआ है, ठीक है। इसको आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा। तो ये आपका फ्लावर है, फ्लावर से ये जब सूख जाता है तो उसके बाद इस टाइप का ये बचता है, और इसको जब आप सेक्शंस कट करते हैं, क्लास में हमने कट करके दिखाया है इसका सेक्शन, ठीक यहाँ से आप ऐसे करके कट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑल्सो, यू कैन कट दिस एंड यू कैन ऑब्जर्व द ओव्यूल। ये जो स्टेज है, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस स्टेज पे ही आप इसको इस तरह से अगर आप कट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो भी आप इसमें बहुत अच्छे से ओव्यूल्स का एडजस्टमेंट आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन रिकैप, इन विच दिस इज सिनगैमी, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, दिस फ्यूजन ब्लू एंड रेड फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस हियर, इन दिस केस वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सो हियर टू
पोलर न्यूक्लियाई आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड सेकेंड वेल मेन गैमेट गेट्स फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड हैंस फॉर्म्स द प्रोसेस ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो शैल वी एंड अप, वी आर गोइंग टू एंड अप ओवर हेयर टिल हेयर एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो टिल हेयर प्रिपेयर योर नोट्स, सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव इट अ रीडिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास.